नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हेल्प के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे नंबर पे किसी अनजान नंबर से कॉल आता है और हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बार बार कॉल करके परेशान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमें उस पर्सन के बारे में पता चले कि कौन मुझे कॉल कर रहा था, उसका फ़ोटो कैसा है, यानी वो कैसा दिखता है। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो हम जानेंगे इस वीडियो में, और ये बिल्कुल 100% जो है मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जिसे आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वो इस टाइप से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो बात करें तो इसका जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपके मोबाइल में वो फ़ोन होगा तो आपको जो है इंस्टेंटली मैसेज ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास वो मोबाइल में सिम कार्ड नहीं लगा होगा तो एक OTP उस नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको OTP डाल देना है। तो यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ, और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली जो है वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पे जो है आपको अपना फ़ोटो अगर आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना नेम इंटर करना होगा। तो मैंने पहले से यहाँ पे नेम इंटर कर दिया। ठीक है, तो आपको अपना नेम इंटर करना होगा, आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप फोटो सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन पे गेट फोटो पे क्लिक करेंगे, आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं, कैमरा, फोटोज यानी गैलरी और फेसबुक। तो आपको गैलरी में से आप अपना फ़ोटो एक लगा लीजिएगा। तो फिलहाल मैंने अपना फ़ोटो सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने एक नॉर्मल सी फ़ोटो जो है यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। आप कभी भी इस फ़ोटो को चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज़ मी पे आपको करके ओके कर देना है। उसके बाद जो है वर्किंग इन बैकग्राउंड, इसे आपको अलाउ करना होगा। यहाँ पे कुछ और परमिशन भी आपको मांगा जाएगा। ठीक है, तो उसे आपको अलाउ करना होगा। तो यहाँ पे आपको जो है जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटो स्टार्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको वो वाला एप्लीकेशन ढूंढ लेना है। तो ये ऑन रहेगा, अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको इसे जो है ऑन कर देना है। ठीक है, जहाँ पे भी ये इस टाइप का ओपन होगा और यहाँ पे ऑफ रहेगा तो इसे जो है ऑन कर देना है आपको। इसको ऑन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते थे कि यहाँ पे जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट है, सारे के सारे जो है फ़ोटो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे फ़ोटो जो है मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग थे, नंबर था, सबका फ़ोटो यहाँ पे शो हो रहा है। साथ ही अगर किसी का आपको कॉल आएगा तो आपको जो है स्क्रीन पर ये फ़ोटो जो है उसका फ़ोटो और नेम जो है शो कर दिया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, कि क्योंकि देखिए ये काम इस तरह से करता है, जैसे कि आप अगर कहीं पे भी इस नंबर से, जैसे कि मैंने इस नंबर से इसमें साइन अप किया, या कोई भी इस नंबर से जिस नंबर से आपको कॉल कर रहा है उस नंबर से अगर उसने फेसबुक अकाउंट बनाया है, कभी भी अगर उसने फेसबुक अकाउंट बनाया है और उसमें वो अपना फ़ोटो लगाया है, तो आपको ये वाला फ़ोटो दिख जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि ये काम करता है एक तरह से फेसबुक अकाउंट पे। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लोग अपने ही नाम से फेसबुक अकाउंट बनाते हैं और खुद की फ़ोटो लगाते हैं, ज़्यादातर लोग जो है ऐसे ही करते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं इसके, जिसमें कि लोग अपना फ़ोटो नहीं लगाते। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी फ़ोटो शो हो रहे हैं, ये लगभग सारे ही सारे फ़ोटो रियल है, और ये जो जिसका नंबर है उसी का फ़ोटो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो आपके भी सारे कॉन्टैक्ट के फ़ोटो दिखाए जाएंगे, साथ ही जो भी नंबर से आपको कॉल आएगा उसका भी फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एप्लीकेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा ज़रूर पसंद आएगा ये एप्लीकेशन। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।